हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैजिकल गुरुजी में। और दोस्तों, हम हाजिर हैं आपके लिए फिर से एक न्यू मैजिक ट्रिक लेके। तो दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी जो हम आपके लिए मैजिक ट्रिक लेके आए हैं वो भी बहुत ही आसान मैजिक ट्रिक है। और आज का मैजिक ट्रिक जो है हमारा इस नोट के साथ है। तो हमेशा की तरह दोस्तों, सबसे पहले हम आपको मैजिक करके बताएंगे और उसके बाद आपको बताएंगे उस मैजिक के पीछे का सीक्रेट क्या है, उस मैजिक ट्रिक को कैसे करना है और उसमें कौन सी ट्रिक जो है यूज़ की गई है, जिसके बाद आप भी हमारी इस मैजिक ट्रिक को समझ पाएंगे और आप भी मैजिक सीख पाएंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, हम अपने चैनल पे बहुत ही अच्छी अच्छी और बहुत ही आसान मैजिक ट्रिक्स अपलोड करते हैं, जिन मैजिक ट्रिक को करने के लिए या सीखने के लिए आपको कोई प्रैक्टिस की जरूरत नहीं पड़ती। तो आज का जो मैजिक है वो भी बहुत ही बढ़िया मैजिक ट्रिक है और बहुत ही आसान मैजिक ट्रिक है। और इस मैजिक ट्रिक को भी बस आप एक बार देखकर ही हमारे इस मैजिक ट्रिक को सीख पाएंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिए। तो चलिए अब आपको मैजिक करके बताते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमारे पास एक नोट है, देख लीजिए। बिल्कुल साधारण सा नोट है, हमने इसमें कोई भी छेड़खानी नहीं की है, ये बिल्कुल साधारण सा नॉर्मल सा नोट है, ठीक है। अब हम इस नोट को यहाँ से ऐसे फोल्ड कर लेते हैं। देखिए, हमने इस नोट को यहाँ से फोल्ड कर लिया है। अब इसको बीचे बीच से ऐसे फोल्ड कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने इस नोट को दोनों तरफ से जो है फोल्ड कर लिया है। अब हम इस पर अपनी एक फिंगर डाल रहे हैं इसके अंदर। देखिए, हमने अपनी एक फिंगर इसके अंदर जो है डाल लिए। तो अब आप मैजिक देखिए। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने अपनी फिंगर को नोट के इस पार से उस पार कर दी है, ठीक है। तो दोस्तों, आप देख लीजिए, नोट में कोई भी छेद नहीं है, नोट कहीं से भी फटा नहीं है, जैसा नोट पहले था अभी भी बिल्कुल वैसा ही है, ठीक है, ये नोट कहीं से भी फटा नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मैजिक ट्रिक अच्छा लगा तो आपको वीडियो के नीचे एक लाइक बटन दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक करके हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे नए मेहमानों से हमारी गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या होगा, हम इसी तरह की जो भी नई मैजिक की वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और आप भी हमारी मैजिक की वीडियो को देख कर आप भी मैजिक सीख पाएंगे। तो लाइक और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिए। और अगर आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आपको वीडियो के नीचे एक शेयर का ऑप्शन भी दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब वक्त हो चुका है इसके पीछे का सीक्रेट बताने का। तो दोस्तों, इसका सीक्रेट कुछ नहीं है, इसके लिए आपको कोई प्रैक्टिस की जरूरत भी नहीं है, आपको इसके लिए बस एक नोट की जरूरत है। देख लीजिए, हमारे पास सिर्फ एक नोट है, आप कोई सा भी नोट यूज़ कर सकते हैं, 10 का 50 का 100 का, कोई सा भी आप नोट इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इस नोट को ऐसे यहाँ से फोल्ड कर लेना है। देख लीजिए, हमने यहाँ से इसको ऐसे फोल्ड कर दिया। अब इसको ऐसे बीच से फोल्ड कर लेना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसको देखिए फोल्ड कर लेना है। अब आपको क्या करना है, आपको एक फिंगर अपनी इसके अंदर डाल लीजिए और देखने वाले दर्शकों को दिखा दीजिए कि हमने नोट के बीचे बीच में जो है फिंगर डाल दिया है, ठीक है। तो दोस्तों, जब आप ऐसे एक बार दो बार तीन बार ऐसे कर दीजिए, जो ये फिंगर जो है नोट के इस पार से उस पार नहीं जा रहा है। अब आपको अपने फिंगर को थोड़ा ऊपर उठाना है और उसकी जगह पर आपको इस वाले फिंगर को खोल लेना है। देख लीजिए, आपको इस वाले फिंगर को खोल लेना है। अब इस बार जब आप ऐसे नीचे जाएंगे तो आपको इस वाले फिंगर को नोट से नीचे दिखा देना है और सामने से देखने वाले को ऐसा लगेगा जैसे आपने नोट में जो है छेद कर दिया है और आपका फिंगर जो है नोट से इस पार से उस पार हो चुका है, पर असल में जो है हमारा ये वाला फिंगर नहीं, ये वाला फिंगर हमें नोट से नीचे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये मैजिक ट्रिक अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं बहुत ही जल्द आपके लिए एक न्यू मैजिक ट्रिक लेके आने वाला हूँ। तो तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।